जमीन को डाल देते थे लूसन ताकि मेहरबानी अगे बुआ तोड़ता सिंगा ही पा के तो हूँ मजीद नहीं किए सारे। अभी मैंने जोड़े नहीं लगाए तो ये नरमादियाँ सारे इकट्ठे हैं। अभी इनको जंगनी भी खोलने लगा, टेंशन ना लो। इधर हैं जी दो मुर्गे के एक मुर्गे के बाद अपनी बारी। ये उनमें कुछ जब परिंदे जो हैं वो क्रीजते हैं जिसके करके उनको मैं ज्यादातर खोल पड़ूंगा क्योंकि मैंने आगे आज बर्ड्स का ऊपर सेटअप इस चीज़ की है कि मेरे रैबिट्स जो हैं वो इनके साथ। पर अभी जो रैबिट्स का घर बनाया वो बड़ा जबरदस्त बन गया और फिर इनको एक प्रॉप ने दिया नहला साहब। लो जी आज मुबारक हो, उछाना आ गया। मैं कहा यार चलो को दिया नहला, अब कौन रह गया? अब बिल्ला चैंपियन शेर लगा, बिल्ला शेर लगा उसको यूज करते हुए जो हो सकता भाई वो आप लोगों के लिए आपका भाई बनाएगा। वक्त आ गई बारी इनकी नाई नाई की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आज के व्लॉग में। तो भाई काफ़ी भाइयों का सवाल आता है कि शरोज साहब सुबह सुबह जट साहब आपकी रूटीन कहाँ से स्टार्ट होती है? तो भाई हमारी रूटीन बड़ी सिंपल सी है। सुबह हम मॉर्निंग में क्या कहते हैं जी, आए आज आपको दहाते हैं। सबसे पहले हम हवेली में एंटर होते हैं जी दरवाजे से, और आते ही जो हमारा मकसद होता है वो होती है सफाई। यहाँ पे इनको नहलाना होता है, इधर से सिर्फ मोटी मोटी करते हैं क्योंकि अभी ये तीनों इधर आ जाएंगे इसलिए इधर से झाड़ू नहीं फेरा जाएगा और वहाँ से बैक से फेरेंगे। और इधर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हमने वो पूरा ओवरऑल झाड़ू फेर के यहाँ से सारी सफाई कर ली। अंदर वाली साइड नहीं हम लोग करते क्योंकि मुर्गियाँ शुर्गियाँ वहाँ पे खेलती हैं और इसको सम टाइम उधर बांधना होता है, तो वो जगह ज़रा नरम रखी हुई है। तो रैबिट्स जो हैं वो भी आपको उनकी तरफ भी लेके चलता हूँ, उससे पहले ये देख लें जी वहाँ पर सफाई होगी, इसको उठा देंगे। और आज इसको नहलाना भी है। मेन काम सुबह की मॉर्निंग की रूटीन का क्या होता है कि सबसे पहले आगे सफाई करनी, सफाई करने के बाद इन सबको नहलाना, नहलाने के बाद दूध निकालना, दूध निकालने के बाद जो है हम लोग अपने बर्ड्स और परिंदों की तरफ आते हैं सारों की। किस तरह कि ये काम करते करते हमें 7:30 हो जाते हैं, तो आज इंशाल्लाह ताला पूरा फुल डे हम लोग इन्जॉय करने वाले हैं और सारा दिन जो है ऐसी तरह काम करने वाले हैं। और जो मैंने आपको रूटीन बताई इसी को देखें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा इंशाल्लाह ताला मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उन पर भी वीडियोस आती रहेंगी। चलो जी फिलहाल टाइम वेस्ट किए बगैर मैं पहले अपना काम कर लूँ, देन उसके बाद फिर तुम्हें पता ही ये जाते हो गया फ्री। बिल्ला हुआ जी काफ़ी ज़्यादा गंदा, आज बिल्ले को भी नहलाना है और इसको नहलाना लाजमी है क्योंकि इसने आज 2-4 दिन हो गए हैं बड़ी स्यापा डाला था, इसको ऊपर से मैं नीचे ले आऊँ। और खरगोशों की जहाँ पर बात आई थी, अभी भाई इनका टाइम नहीं हुआ, तो अभी फिलहाल जब मैं इनकी तरफ आऊँगा तो ये सारी चीज़ों को वन बाई वन जैसे दाना पानी करूँगा तो आपको बताऊँगा, तब तक वेट करो। सबसे पहले ये देख लें जी इन दोनों को बांध दिया इधर, इधर से जगह साफ थी, सारा काला फिर रहा है और यहाँ पे हम लोग इनको बांधते हैं। कैसे बांधेंगे? पहले इनको नहलाएंगे, तो चले जी पहले इसको नहला। लो जी भाई फिल वक्त आ गई बारी इनकी नाई नाई की। काले काले यहाँ पे मेन मसला क्या आ जाता है? मसला ये आ जाता है कि मैं अकेला बंदा होता हूँ जिसके घर की कैमरा कोई पकड़ने वाला नहीं होता और मुझे अकेले ये सारा काम करना पड़ता है, जिसके करके ना तो वो मज़ा आता है वीडियो का और ना ही कोई चीज़ें मुझे भी ये फील होता है, बट क्या करूँ भाईजान। फिर भी हिम्मत हारे बगैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जितनी को काबिलियत दी है उसको यूज़ करते हुए जो हो सकता है भाई वो आप लोगों के लिए आपका भाई बनाएगा। इन दोनों को दिया नला, अब कौन रह गया? अब बिल्ला चैंपियन। तो चल भाई बिल्ले तेरी वारी हूँ, इसको नहलाते हैं, नहला के ज़रा फ्रेश करके फिर इसको बाहर निकालते हैं और उधर बांधते हैं ताकि ये ज़रा साफ सूफ हो जाए। ये खैर एक बारी में तो नहीं उतरना, पर मेरी कोशिश है कि उतर जाए, बट इसने ना चावल ने गंदा ही बड़ा अपने आप को कर लिया। चलो अल्लाह खैर करेगा, नहवा नू लीए
तो फिर तानू बहाने खैर तेरी ओए शेर लगा बिलिया शेर लगा एवं नहीं मैं कहता बिले तेरे पिछे पिछे आनी आ बिले हो जाएगा साफ तू टेंशन नहीं लेनी। उसकी बैक साइड पे है जी बिल्ला, बिल्ले को हमने दिया नहला साफ सुथरा हो गया, वो भी आपको दिखाते हैं। लो छाना जी उंगला चुप तेरा उंगला तो नहीं आ रही है जी छाने कैसा आ रहा मैं। लो जी आज मुबारक हो छाना आ गया, मैं कहा यार चलो साथ में हम वीडियो भी बना लें इसी बहाने। अब जी चुवाई का टाइम है, मिल्किंग के बाद हम जाएंगे पट्ठों को और खाना आज लेट हो गया। छाना ही मैं लेट हो गया ना आज लीला बेच नू आने लग गया टाइम उधर बहुत गंदा पड़ा हुआ थी। चलो ये खाना ही बंद कर दो जी। तो भाई अपनी शायद होगी काम शाम खत्म, अब सिर्फ बारी है पट्ठों की। पट्ठों पे हमने जाना है आज, हम थोड़े ले आएंगे पट्ठे खुद ही आएंगे और उसे अगर नहीं तो खुद लाने पड़े। तो उससे पहले हमारा जो प्रोसीजर वो क्या है वो देख लें कि यहाँ का नीचे का काम कंप्लीट होने के बाद जैसे इसको नहला दिया था आपको दिखाया नहीं, हाँ ये चेक कर लो निकला है जी चिट्टा। और ये देखें जी यहाँ पर अब हमने डाली हैं रोटियाँ और ये एक खुला ही रहता है, ठीक है इसकी कोई टेंशन नहीं। अभी खरगोश खाएंगे क्योंकि खरगोशों का दरवाज़ा आज मुझे बंद करना याद नहीं रहा रात को, तो ये तीनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है इन्होंने अभी आ जाना है। ये देखें जी ये आगे इनको पता लग गया मैंने दाना पकड़ लिया, ये देखें अब मैं दाना इधर फेंकूँगा। ये लोग बड़े शौक से ये खाते हैं, ये बेसिकली मुर्गों का दाना है और ये रोटियाँ भी खाते हैं और ये भी खाते हैं, इनके साथ इनकी दोस्ती हो गई है। और इसी के साथ हमने अब कौन से जोड़े खोलने हैं जी, हम जाएंगे इनको ओपन करने के लिए अपनी हीरा फैमिली और थाई फैमिली, इन दो को हमने खोलना है क्योंकि ये ऊपर नीचे हैं। तो ये लो जी चलो जी आ जाओ, ये यहाँ पे भी ये हमारे रैबिट्स खा रहे थे, अब ये देखें ये भी आ गई हैं, अब ये रोटियाँ भी खाएंगे साथ में दाना भी खाएंगे, जो इनका दिल करता है ये खाएंगे। रैबिट्स हैं वो भी इन्हीं के साथ ही हैं, चेक कर लें। एक वो जो मेल है वो नहीं आता, नर नहीं आता, बाकी मादियाँ शादियाँ आ जाती हैं तीनों। इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, जब मैं दाना डालता था पहले मैं इनको नहीं खोलता था, अब जो इनकी जब से दोस्ती हुई है तो मैं इन सबको खुद ही खोल देता हूँ ताकि ये सारों का एक टाइम टेबल बन जाए शेड्यूल बन जाए। अब मेरे आने तक ये लोग खा लेंगे, मैं इनके पास नहीं बैठूंगा क्योंकि मैंने आगे आज बर्ड्स का ऊपर सेटअप भी जो अपना शेड है उसको भी थोड़ा सा सेट करना है। तो फिलहाल मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ से अब जाऊँगा इनको यहाँ पे छोड़ूंगा, ये घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे लड़ेंगे सारा कुछ कर लेंगे और जब मैं आऊँगा वापसी आगे इनको बंद कर। देख सकते हैं आप लोग ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये सबसे ज़्यादा तो मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मेरे रैबिट्स जो हैं वो इनके साथ बड़े अटैच हो गए, ये अपनी मर्ज़ी से आते हैं। वो देखें अब वो वहाँ पर एक बैठा हुआ है, ये देखें ये वाला, ये देखें ये आ रही है ना मादी, हाँ ये मादी जो है ये इनको लेके आती है यहाँ पे। लें जी नीचे इनका ये बड़ा मज़ेदार काम हो गया है और इंशाल्लाह मुर्गे हमने यहाँ से ख़त्म करने हैं और इनको ऊपर शिफ्ट करना है। पर अभी जो रैबिट्स का घर बनाया वो बड़ा ज़बरदस्त बन गया और फिर इनको एक प्रॉपर घर बना के देंगे सुरंग टाइप, वो भी देखिएगा। वो भी मैंने मशवरा किया है एक दोस्त से तो वो कामयाब हो गए इंशाल्लाह ताला, वो भी हम इनके लिए करेंगे। बट उससे पहले अब चलते हैं, चल के पहले पट्ठे ले आते हैं, दैन उसके बाद हमारी आधी से ज़्यादा ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि भाई बारी बारी हमने सारे परिंदों को खोलना होता है तो आधा दिन हमारा इधर ही गुजर जाता है। तो इधर से ऊपर फिर बकरों की बारी आती है, बकरों का ज़्यादातर काम जो है वो शाम में होता है। तो फिर वक्त उनको देख लें जी एक मरतबा गए ना आप लोग चलेंगे। अभी मादी ने पाँव मारा है यार लेवल। किधर गए वो, बंद हो गए? क्यों बंद हो गए? क्योंकि भाई अब बारी है इनकी। तो चलो जी आ जाओ, ये है हमारी लसानी फैमिली, चल भी आ जा। चलो जी अब तुम लोग खा लो, अब ये जोड़ा खा लेगा तब तक मैं होऊंगा क्योंकि अभी मैं निकला नहीं था, मैंने कहा जाने से पहले इनको ज़रा, क्योंकि ये सारे उनमें कुछ जब परिंदे जो हैं वो क्रीज पे हैं जिसके करके उनको मैं ज़्यादातर खोलता नहीं क्योंकि वो जितना टाइम अंदर रहेंगे उतना उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। सारे फारग हो चुके हैं क्लियर हैं तो इसलिए इनको थोड़े देर खोल देता हूँ कि चल यार कोई नहीं है ज़रा घूम फिर लें ज़रा रिलैक्स हो लें। तो चलें जी चलते हैं पट्ठों की तरफ। तो जी हम लोग पहुँच गए हैं और बैक साइड से बारी चाह रही है, टोका चाह रहा है, पाकरम पट्ठे उतरी जा रहा है फिलहाल, उसके बाद अपनी बारी ये पल्ली के बाद। अरे इन मुर्गियों की ये अदा मुझे बड़ी पसंद है, ले जी खुद ही अंदर चली जाती, मैंने जब दरवाज़ा बंद किया। अब खोलते हैं मिक्स माल जो कि सारा हमने इकट्ठा किया है,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੜ ਖੜੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਇਧਰ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ, ਦੋ ਹੈ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਮੁਰਗੇ ਇਧਰ ਸੇ ਤੁਮ ਲੋਗ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਧਰ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਧਰ ਸੇ ਆਓ। ਚਲੋ ਆ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਉਸਕੇ ਪਾਓ ਮੇ ਦੋ ਦੋ ਛਾਪਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਓ ਸੇ ਡਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਖਾ ਲਓ, ਖੋਲ ਦੋ ਤੇਰੇ ਛਾਪਰ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੈਂ ਚਿੰਗੜ ਬੋਰਡ ਕਹਤਾ ਹੂੰ। ਚਿੰਗੜ ਬੋਰਡ ਸੇ ਮੁਰਾਲ ਲਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਤੋ ਇਹ ਨਰ ਮਾਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਇਨਕੋ ਜੋੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਲ ਵਕਤ ਇਨ ਸਬਕੋ ਹਮਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੋੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਹੀ ਰਹਤੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਖਾ ਪੀ ਲਓ। ਅਬ ਇਸਮੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਦੀ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਦੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਦੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਾਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵਾਈਟ ਨਰ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਠੀ ਪੱਠਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਨਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਤਿੰਨ ਰੱਖਣੇ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਔਰ ਲੱਗ ਸਕਤਾ ਇਸਮੇ ਹਮਾਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲਗਾਏਂਗੇ ਹਮ। ਚਲੀ ਭਾਈ ਇਨਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੂਸਣ ਡਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਬਸ ਇਹ ਆਖਰੀ ਰੂਟੀਨ ਥੀ ਹਮਾਰੀ, ਸਭ ਨੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਇਨਕੋ ਡਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਲੂਸਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੂਸਣ ਖਾ ਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹਮ ਯਹਾਂ ਸੇ ਖੈਰੋ ਆਫਿਸ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਜੋ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਏ। ਅਭੀ ਇਹ ਲੂਸਣ ਕੀ ਬਾਰੀ ਥੀ ਇਨਕੀ ਸਾਥ ਮੇਂ, ਅਭੀ ਇਹ ਲੂਸਣ ਖਾਏਂਗੇ ਔਰ ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੌਜੀਓ ਮੇਂ ਅਬ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲੈਂਗੇ। ਤੋ ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਗੇ ਬੂਹਾ ਤੋੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਤੋੜਨ ਨਾਲ। ਓ ਬਿੱਲੇ ਚੱਲ, ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲੇ ਟੂਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਦੀਏ ਕਿ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਕੋ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਖਾ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਤੋ ਜੀ ਚਲੇ ਆ ਉੱਪਰ, ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਧੂਪ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਕੋ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਭਾਈ ਇਨਕੋ ਬਾਂਧਣਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਹਮਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਫਿਲ ਵਕਤ ਹੀ ਅਬ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਂਗੀ, ਖਾ ਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਲੀਟ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਰੱਜ ਰੁੱਜ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਹੁਣ।